से व्हाट्स कुकिंग मीता के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? तो सावन का महीना है, बारिश बहुत आ रही है सभी जगह, तो चलिए बनाते हैं खूब बढ़िया टेस्टी गर्मा गर्म पकौड़े। आज बनाएंगे कौन से, चलिए देखें। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे अपलोड्स की मिलते। मेथी की भजिया पकौड़े तो सभी जगह बनते हैं, अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं। आज हम बनाएंगे गुजरात की एक फेमस स्पेशल रेसिपी, हम बनाएंगे मेथी ना गोटा। हाँ जी, ये गोल गोल खूब बढ़िया फ्लफी बहुत हल्के पकौड़ियाँ रहती हैं मेथी की, हल्की सी मीठी रहती हैं, तीखी रहती हैं, मज़ेदार। अगर आप गुजरात में कहीं चले जाएं तो इसको कढ़ी के साथ सर्व किया जाता है, आप केचप और चटनी के साथ भी खा सकते। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, चलिए बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। तो हम नॉर्मल बेसन यूज़ करेंगे, अगर आपके पास में गाढ़ा बेसन यानी कि थिक दरदरा बेसन हो तो आप वो भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ सूजी। सूजी से क्या होता है कि एक बॉडी मिलती है पकौड़ी को। अगर आपका दरदरा बेसन है तो ठीक नहीं है, तो मैं सूजी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। तो देखिए जैसे दो कटोरी अगर आपका बेसन है तो आधा कटोरी हम सूजी ले लेंगे। दरदरा कुटा हुआ यहाँ पे अखा धनिया है, चीनी मैं पाउडर डाल रही हूँ ताकि मिलाने में आसानी रहे। नमक डाल देंगे, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्ची डाल देंगे, हरा धनिया, और ये डाल रहे हैं हम मेथी। मेथी की पत्तियाँ अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे चौथाई चम्मच मैंने डाल दिया है खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, और उसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, और पानी ऐड करके हम एक इसका बैटर बना देंगे, घोल बना देंगे। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा, आपको बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत काढ़ा भी नहीं चाहिए, जो कि हम इसके अंदर सूजी डालिए तो सूजी भी फूलेगी, तो हमको पानी उसके हिसाब से ही डालना है। तो यहाँ पे भी मैंने आधा ग्लास पानी डाला था, अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। और ये देखिए खूब बढ़िया तरीके से हमको इसको मिक्स कर देना है, खूब अच्छे से फेंट दीजिएगा मिक्स करते समय, ताकि बैटर जो है हमारा हल्का हो जाए। देखिए इस तरह से फेंट करके देखिए कितना बढ़िया हल्का हो गया है। अब इसको मैं भिगो करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि सूजी हमारी फूल जाए। कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना कैसी है, थोड़ी देर बाद में सूजी फूलेगी तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। चलिए देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारे बैटर एकदम अच्छे से फूल भी गया है, और जो सोडा हमने डाला था उसके वजह से भी बैटर अच्छे से फूल गया है। तो चलिए तेल गरम कर दिया था मैंने, पकौड़ियाँ उतार देते हैं। इस तरह से मीडियम साइज़ की पकौड़ियाँ आप टुक दीजिएगा और उसको दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। अच्छा, आंच को तेज़ नहीं इस समय करिएगा, इसको मीडियम रखिएगा, मीडियम से हाई, वरना ये ऊपर से सारे हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए कितने बढ़िया गोल गोल खूब हल्के हो जाते हैं ये, इस तरह से तेल में ऊपर तैरने लगते हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको उतार लीजिएगा, इन पकौड़ियों का कलर बहुत डार्क नहीं होता है। तो बस इस तरह से पकौड़ियाँ उतारिए, मेथी ना गोटा सर्व कीजिए कढ़ी के साथ में, या तो फिर चटनी और केचप के साथ में, और बरसात के मौसम का आनंद उठाइए, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो बस इसी तरह से सारी पकौड़ियाँ उतार दीजिए, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये आपको मैं तोड़ करके भी दिखाऊँगी एक एक किस तरह से दिखता है। तो बस यहाँ पर ये खूब बढ़िया तरीके से सारी पकौड़ियाँ उतार दीजिए। जब आप पकौड़े डालते हैं तो ये नीचे रहती है, पर जैसे ही ये हल्की हो जाती है तो ये ऊपर इस तरह से तैरने लगती है फूल करके। देखिए सारी ऊपर फूल करके तैर गई, अब थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद में आप इसको टर्न कर दीजिएगा। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, खूब हल्के बनते हैं, देखिए कितने बढ़िया फूले फूले लग रहे हैं ना, अंदर से एकदम सॉफ्ट रुई जैसे टेक्सचर, देखिए खूब बढ़िया है, अंदर से अच्छे से सिक भी गया है। तो देखिए बताइए रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हम लोग के अपलोड्स के मिलते रहें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्स कुकिंग मीता, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। आते हैं फिर ऐसी अच्छी इजी क्विक रेसिपीज लेकर के आपके लिए, आप ट्राई कीजिए और हमको बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और हम वादा करते हैं खूब बढ़िया रेसिपीज लेकर के आपके लिए आते रहेंगे।
देखिए अच्छी लग रही है ना, तो ट्राई करिए फटाफट से और बनाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।